चलिए अब हम अपनी इन्फ्लामेशन यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 14। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का ये वाला चार्ट पढ़ा था। वो क्या था? सेल ड्राइव्ड थे और प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे। ठीक है, सेल ड्राइव्ड दो तरीके के होते थे, प्रीफॉर्म्ड और न्यूली सिंथेसाइज्ड। प्रीफॉर्म्ड हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो होते थे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ये कौन कौन से होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, कीमोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं जिनको आप इंटरल्यूकिंस भी कह सकते हो, एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा डिराइव्ड में क्या क्या था? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था, ठीक है, क्लोटिंग सिस्टम था, ठीक है, और काइनिन पाथवे था। ठीक है, चलिए तो आज हमें पढ़ना है न्यूली सिंथेसाइज्ड मीडिएटर। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और होता है प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जिसको पैफ भी कहते हैं, और होता है कीमोकाइंस और होते हैं साइटोकाइंस जिनको इंटरल्यूकिन भी कहते हैं, और एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब हम एक एक कर पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से बनता है। देखो, एल आर्जिनिन एमाइनो एसिड होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और एल सिट्रोलिन में। और ध्यान रखना, इस रिएक्शन में जो एंजाइम हेल्प करता है उसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ठीक है, अब देखो, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है ये तीन तरीके का होता है, ENOS, NNOS, INOS। यहाँ पर देखो, E मतलब एंडोथीलियम, ठीक है, तो ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि NNOS, N मतलब न्यूरॉन्स, मतलब NNOS प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स में, INOS मतलब इंड्यूसिबल या इन्फ्लामेशन, मतलब INOS तब प्रोड्यूस होता है जब इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये नोट पॉइंट ध्यान रखो, नोट पॉइंट क्या है? ENOS मतलब एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस और NNOS मतलब न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस्ड वेयर एज। देखो, जो NNOS है और ENOS है ये आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है और अपना वर्क करता रहता है, लेकिन जबकि INOS मतलब इंड्यूसेबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस प्रोडक्शन इज इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइंस लाइक TNF अल्फा एंड इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, मतलब NNOS और ENOS तो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन INOS तभी वर्क करता है जब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जैसे कि TNF अल्फा या इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, मतलब जब इन्फ्लामेशन होगी तभी साइटोकाइंस रिलीज होंगे, अगर साइटोकाइंस रिलीज होंगे तभी INOS एक्सप्रेस करेगा, मतलब वर्क करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, फंक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड देख लेते हैं। पहला होता है वैसोडाइलेशन, ये बहुत पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, और माइक्रोबियल किलिंग में भी नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प करता है, वो इसलिए क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड खुद फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करता है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक फ्री रेडिकल है, मतलब ये किल करता है बैक्टीरिया को। और दूसरे तरीके से कैसे हेल्प करता है माइक्रोबियल किलिंग में, ये नाइट्रिक ऑक्साइड खुद कन्वर्ट हो जाता है पर ऑक्सी नाइट्राइट में, और पर ऑक्सी नाइट्राइट पोटेंट फ्री रेडिकल है। ठीक है, मतलब ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से किल करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो पहला फंक्शन वैसोडाइलेशन, दूसरा फंक्शन माइक्रोबियल किलिंग। माइक्रोबियल किलिंग इसलिए करता है क्योंकि फ्री रेडिकल है और ONOO डॉट को बनाता है, मतलब परोक्सी नाइट्राइड फ्री रेडिकल को बनाता है। ठीक है, तीसरा फंक्शन एंटी एग्रीगेटरी ऑफ प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीन फंक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। अब एक चीज और पता होनी चाहिए, वो चीज क्या है? देखो, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब मान लो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ये प्लेटलेट है,
अब सोचो, अगर इस ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन हो जाएगा तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये दूर दूर चले जाएंगे, मतलब जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, अगर वेजोडाइलेशन हुआ। लेकिन मान लो इस ब्लड वेसल का वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, मतलब जो प्लेटलेट्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, मतलब जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो एग्रीगेट होने लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी वेजोडाइलेशन होगा तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा, सॉरी प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। जब भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब यहां पर देखो वेजो डायलेशन हुआ मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, तो ये जो प्लेटलेट्स थे ये भी दूर दूर चले गए, मतलब जो एग्रीगेशन था वो एंटी हो गया, मतलब एंटी एग्रीगेटरी ऑफ प्लेटलेट, ठीक है, मतलब एग्रीगेशन इनिबेट हो गया। अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते, जो प्लेटलेट्स थे वो पास पास आ जाते, तो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स स्टिमुलेट हो जाता। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसका सोर्स होता है एंडोथीलियम, न्यूट्रोफिल या प्लेटलेट्स, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो एक फंक्शन होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है। देखो मैंने अभी बताया, अगर वेजो डायलेशन होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होगा, लेकिन अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टिमुलेट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगी, ठीक है, चलिए, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होगा, जब स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। स्मूथ मसल्स किसकी, ब्रोंक्योल्स की, ठीक है। देखो ब्रोंक्योल्स के पास स्मूथ मसल होती हैं, अब ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करेगा, ब्रोंक्योल्स की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अगर ब्रोंक्योल्स की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो ब्रोंक्योल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसी को आप कह दोगे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखो एक नोट पॉइंट, देखो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एट लो कंसंट्रेशन एक्ट एज वेजो डायलेशन। देखो यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हाई कंसंट्रेशन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह एक्ट करेगा, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन में ये वेसल्स को डायलेट करेगा, मतलब वेजो डायलेशन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, पहला नोट पॉइंट ये। दूसरा ये, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इज स्ट्रोंगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर देन हिस्टामिन, ठीक है। देखो हमने पीछे पढ़ा है हिस्टामिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और हमने अभी पढ़ा है कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। तो बहुत बार कंपैरिजन कर लिया जाता है कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और हिस्टामिन में से कौन ज़्यादा बेहतर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ध्यान रखना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इज द गुड और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर देन हिस्टामिन, ठीक है। और बहुत बार एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर, आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ल्यूकोट्राइन्स, यहां से एमसीक्यू बनता है। अब हम देखते हैं कीमोकाइंस, देखो कीमोकाइंस क्या होते हैं, स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं सेल्स को, तो इसको आप कीमो अट्रैक्टिंग भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो कीमोकाइंस हैं ये कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के होते हैं, एक होता है CXC, अब यहाँ पर X को आप रफ कर दो तो ये बचा CC, ठीक है, अब यहाँ पर एक C को और हटा दो तो बचा C, ठीक है, और चौथे तरीके का क्या होता है, वो होता है CX3C, ठीक है। तो कीमोकाइंस चार तरीके के होते हैं, CX3C और CXC, अब X को हटा दो तो बचा CC, फिर एक और C को हटा दो तो बचा C, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो X जो है वो अमाइनो एसिड है कोई सा भी, और C जो है वो सिस्टीन अमाइनो एसिड है, ठीक है। चलिए अब देखो CXC को आप अल्फा कीमोकाइंस भी कहते हो, CC को आप बीटा कीमोकाइंस भी कहते हो, C को आप गामा कीमोकाइंस भी कहते हो, ठीक है। देखो CXC, CC, C और अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और ये CX3, C को आप
अलग से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखो, कीमोकाइंस चार तरीके के होते हैं, CX3C, CXC, CCC। अब देखो, CXC को अल्फा कीमोकाइंस भी कहते हैं, CC को बीटा कीमोकाइंस भी कहते हैं, C को गामा कीमोकाइंस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, CX3C का एग्जांपल है फ्रैक्ट एल्काइंस, ठीक है। अब ये फ्रैक्ट एल्काइंस किस में हेल्प करता है ना, ये अट्रैक्ट करता है टी सेल्स को और मोनोसाइट्स को, ठीक है। चलिए अब CXC का एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 8। अब इंटरल्यूकिन 8 अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल को, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए CC का एग्जांपल है ईओटेक्सिन अट्रैक्ट करता है इजिनोफिल को, और इसका एक और एग्जांपल है रेंटेज, ये अट्रैक्ट करता है टी सेल्स को। और सी मतलब गामा कीमोकाइंस का एग्जांपल है लिम्फोटेक्टिन, तो ये अट्रैक्ट करता है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। अब समझो, देखो ये तो आपको याद करना ही है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये CXC है ना, CXC, ठीक है। तो देखो, आप X को 8 बना लेना, तो यहां से आपको पता चलेगा कि CXC का एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 8, ठीक है, पहली ट्रिक। दूसरी देखो, ईओटेक्सिन, ईओ शब्द आ रहा है ना, तो यहां से पता चलेगा ये अट्रैक्ट करता है इयोजेनोफिल को, ठीक है। चलिए अब देखो, लिम्फोटेक्टिन, लिम्फ, तो यहां से पता चलेगा ये अट्रैक्ट करता है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखो साइटोकाइंस, देखो ये स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब साइटोकाइंस में दो टर्म्स आती हैं, एक आती है प्लियोट्रोपी, एक आती है रिडंडेंसी, ठीक है, प्लियोट्रोपी और रिडंडेंसी। अब देखो, प्लियोट्रोपी में क्या होता है, जब एक साइटोकाइंस मल्टीपल फंक्शन करता है तो आप उसको कहते हो प्लियोट्रोपी, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब जब मल्टीपल साइटोकाइंस एक फंक्शन करते हैं तो उसको कहते हो रिडंडेंसी, ठीक है। मतलब वन साइटोकाइन डू मल्टीपल फंक्शन इज नोन एज प्लियोट्रोपी, मतलब मल्टीपल साइटोकाइंस डू वन फंक्शन उसको कहते हैं रिडंडेंसी। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखो, साइटोकाइंस देख लेते हैं। देखो साइटोकाइंस तीन तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरल्यूकिंस, और एक होते हैं TNF-alpha, एक होते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है। अब TNF-alpha एपेटाइट को डिक्रीज करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कैंसर कैकेक्सिया कोज करता है। तीसरा पॉइंट, ये शोक में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके रटी होनी चाहिए, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो TNF-alpha इन तीनों चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब देखो साइटोकाइंस, ध्यान रखना, देखो साइटोकाइंस का सिस्टमिक इफेक्ट होता है। अब सिस्टमिक इफेक्ट मतलब साइटोकाइंस आपके ब्रेन पर वर्क कर सकते हैं, साइटोकाइंस आपकी बोन मैरो पर एक्ट कर सकते हैं, या साइटोकाइंस आपके लीवर पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ सिस्टमिक ऑर्गन्स को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब उनके फंक्शन में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं आप सिस्टमिक इफेक्ट होता है। अब जैसे साइटोकाइंस कौन कौन से सिस्टमिक इफेक्ट करते हैं, तो वो ध्यान रखना, वो होता है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF-alpha, ठीक है। चलिए अब देखो सिस्टमिक इफेक्ट, पहला है CNS मतलब आपके ब्रेन पर, ठीक है। अब अगर साइटोकाइंस आपके ब्रेन में चले गए तो ये स्लीपीनेस कोज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोक्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं आपके ब्रेन में। अगर कोक्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो आपको पता होना चाहिए कोक्स पाथवे से बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, तो जो हाइपोथैलेमस है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो जैसे PGE2, ये कोज करेगा फीवर, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं, मतलब अगर ये ब्रेन में चले गए तो ये स्लीपीनेस कोज कर सकते हैं और फीवर कोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, चलिए अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन ऑन बोन मैरो। चलिए देखो, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो साइटोकाइन बोन मैरो पर एक्ट करेगा और ये न्यूट्रोफिल के अमाउंट को इंक्रीज करेगा। वहीं अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा तो साइटोकाइन बोन मैरो पर एक्ट करेगा और ये लिम्फोसाइट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। वहीं अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया
तो ये इजिनोफिल के अमाउंट को इंक्रीज कराएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि साइटोकाइन सिस्टमिक इफेक्ट शो करता है। सिस्टमिक इफेक्ट पहला क्या कर रहा था कि वो ब्रेन पर एक्ट कर रहा था, दूसरा क्या है कि वो बोन मैरो पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ तो उसने बोन मैरो को सिग्नल दिया और बोन मैरो ने इजिनोफिल की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो साइटोकाइन ने एक्ट किया बोन मैरो पर और बोन मैरो ने न्यूट्रोफिल की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया और न्यूट्रोफिल ने क्या किया, उस बैक्टीरिया को किल कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, टोटल लीकोसाइट काउंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अब मतलब जो बोन मैरो की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, मतलब आप कह सकते हो बोन मैरो हाइपर एक्टिविटी। अगर बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी तो जो स्टेम सेल्स हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएंगे। मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है, बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूस करती है और वो मैच्योर होते हैं, उसके बाद वो सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइन बोन मैरो पर एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी हो गई। अगर बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी हो गई तो जो स्टेम सेल्स हैं मतलब इमेच्योर सेल्स हैं वो आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे पीबीएस पर, पेरिफेरल ब्लड स्मियर पर। ठीक है, और इसको पैथोलॉजी में टर्मिनोलॉजी दी गई है बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी को शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब हाइपर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा है लेकिन ध्यान रखना। चलिए अब देखो, अगर साइटोकाइन लीवर पर एक्ट करेगा, समझो अगर देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलस आया तो इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन होगी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी निकलेंगे। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ही तो साइटोकाइंस होते हैं, मतलब साइटोकाइंस रिलीज हुए। कौन कौन से साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, 6, TNF अल्फा। ठीक है, यही साइटोकाइंस हैं जो सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब ये साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1, 6, TNF अल्फा एक्ट करेंगे लीवर पर। अब लीवर पर जब ये एक्ट करेंगे तो कुछ प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, कुछ प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। समझो एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलस आया, मतलब या फिर ये कहें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, मतलब कैसे भी इन्फ्लामेशन हो गई। अगर इन्फ्लामेशन होगी तो साइटोकाइंस रिलीज होंगे। अब साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा ये एक्ट करेंगे लीवर पर, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मतलब लीवर कुछ प्रोटीन्स को ज़्यादा सिंथेसाइज करने लगेगा और लीवर कुछ प्रोटीन्स को कम सिंथेसाइज करेगा, तो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब समझो तो ऐसे प्रोटीन्स जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी या जिनका सिंथेसिस लीवर इंक्रीज कर देगा उसको आप कहते हो पॉजिटिव APR, मतलब एक्यूट फेज रिएक्टेंट। और ऐसे प्रोटीन्स जिनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई या लीवर ने जिनकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर दिया उनको कहते हो आप निगेटिव APR, मतलब निगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं APR मतलब एक्यूट फेज रिएक्टेंट। ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव APR, निगेटिव APR। पॉजिटिव APR मतलब इन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, निगेटिव APR मतलब इन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। अब ये आपको एग्जाम्पल से याद करने हैं। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव APR के एग्जाम्पल ये हैं, तो ये सारे प्रोटीन हैं जिनकी कंसंट्रेशन इन्फ्लामेशन के दौरान इंक्रीज कर जाती है, और ये सारे प्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन इन्फ्लामेशन के दौरान डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरिटिन, हेप्साइडिन, फाइब्रिनोजन, सेरोलोप्लाज्मिन, इनकी कंसंट्रेशन इन्फ्लामेशन में इंक्रीज हो जाती है। जबकि निगेटिव APR एल्ब्यूमिन, एंटीथ्रोम्बिन, ट्रांसफेरिन, ट्रांसकोटिन, ट्रांसथायरेटिन, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है इन्फ्लामेशन के दौरान। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो आंट, देखो ए से हो जाएगा एल्ब्यूमिन, ए से हो जाएगा एंटीथ्रोम्बिन, एन से हो जाएगा नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट, टी से हो जाएगा ट्रांसफेरिन, ट्रांसकोटिन, ट्रांसथायरेटिन। ठीक है, चलिए ये आपको याद करने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, चलिए अब देखो इंटरल्यूकिन्स को देख लेते हैं। देखो फीवर जो कोज करता है वो होता है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, याद करना है आपको ये। ठीक है, अब देखो जो एपेटाइट को डिक्रीज करता है उसका नाम है TNF अल्फा।
ठीक है, चलिए। वो जो प्रो एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब वो इंफ्लेमेशन को बढ़ा भी सकता है और इंफ्लेमेशन को घटा भी सकता है, ऐसा इंटरल्यूकिन होता है, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 6। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, यहाँ से नीट पीजी में, एफएमजी में, एम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये होता है इंटरल्यूकिन 10 और टीजीएफ बीटा, ठीक है। अब देखो, इंटरल्यूकिन 10 को आप ऐसे याद कर सकते हो, एंटी है ना तो N10 ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। टी सेल मैच्योरेशन, देखो इंटरल्यूकिन 7, अब देखो 7 है ना, 7 को आप टी की तरह बना सकते हो, उस तरफ खींच दोगे डंडा तो टी बन जाएगा 7। तो ऐसे आप याद रखना कि पी सेल मैच्योरेशन में इंटरल्यूकिन 7 हेल्प करता है, ठीक है। इजिनोफिल एक्टिवेशन में हेल्प करता है इंटरल्यूकिन 5। देखो ए बी सी डी ई, ई कौन से नंबर का लेटर है, 5th, तो इंटरल्यूकिन 5 हेल्प करता है इजिनोफिल एक्टिवेशन में, ठीक है। न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है इंटरल्यूकिन 8, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब देखो, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में हेल्प करता है इंटरफेरॉन गामा, देखो गामा में भी जी आ रहा है और ग्रेनुलोमा में भी जी आ रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, फाइब्रोसिस में हेल्प करता है टीजीएफ बीटा, थोड़ा मुश्किल है इनको याद करना, लेकिन अगर आपने एक बार याद कर लिया बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे नीट पीजी के, एफएमजी के, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, ठीक है। चलो, अब देखो पायरोजेंस जो होते हैं ना, वो एक्सोजीनियस होते हैं या एंडोजीनियस होते हैं। पायरोजेंस मतलब जो कोज करते हैं फीवर को, ठीक है। एक्सोजीनियस में आ गया बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है। एंडोजीनियस में आ गया इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। देखो, आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो हमने पढ़ा था कि इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 ये सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। फिर सिस्टमिक इफेक्ट में सीएनएस पर एक्ट करते हैं, बोन मैरो पर एक्ट करते हैं और ये लीवर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने सीएनएस में पढ़ा था कि ये स्लीपीनेस कोज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ा था कि ये कोक्स एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कोक्स एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन हाइपोथैलेमस में बढ़ जाती है। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन हाइपोथैलेमस में बढ़ जाएगी तो फीवर कोज कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर याद कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, अब देखो इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो देखो, इंटरफेरॉन्स भी अ टाइप ऑफ साइटोकाइंस है, ठीक है। तो जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। इसका सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है ल्यूकोसाइट फाइब्रोब्लास्ट टी हेल्पर 1। इसको आप याद कैसे करेंगे, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब इसका फंक्शन क्या होता है, एंटीवायरल होता है इंटरफेरॉन अल्फा। इंटरफेरॉन बीटा ब्रेन की डिसीज को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, ठीक है। इंटरफेरॉन गामा, हम पीछे भी पढ़ा है कि इंटरफेरॉन गामा कोज करता है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो, सोर्स आप कैसे याद करोगे, LFT, देखो अल्फा बीटा गामा, फिर सोर्स LFT। देखो अल्फा में ए आ रहा है, ठीक है, तो ए से हो जाएगा एंटीवायरल। बीटा में बी आ रहा है तो इससे हो जाएगा ब्रेन, ठीक है। गामा में जी आ रहा है तो इससे हो जाएगा ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो साइटोकाइंस होते हैं समाप्त। अब हम देखेंगे एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट। चलिए देखो, अगर फोस्फोलिपिड है तो फोस्फोलिपिड पर फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम या फोस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है एरेकिडोनिक एसिड में। और ध्यान रखना, एरेकिडोनिक एसिड जो है वो 20 कार्बन एसेंशियल फैटी एसिड होता है, 20 कार्बन कंपाउंड है और फैटी एसिड है वो भी एसेंशियल, ठीक है। चलिए, अब देखो एरेकिडोनिक एसिड पर या तो साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा या लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो इसको हम कहेंगे साइक्लो ऑक्सीजिनेज पाथवे, अगर लाइपो ऑक्सीजिनेज एक्ट करेगा तो इसको हम कहेंगे लाइपो ऑक्सीजिनेज पाथवे। अब ध्यान रखना, जो लॉक्स होता है, मतलब लाइपो ऑक्सीजिनेज, दो तरीके का होता है, एक होता है 5 लॉक्स, एक होता है 12 लॉक्स।
वहीं जो साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है कोक्स वन, एक होता है कोक्स टू। और ध्यान रखना कोक्स वन जो होता है वो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है, मतलब जो आपका गैस्ट्रिक होता है, ठीक है, मतलब स्टोमक होता है उसको प्रोटेक्ट कर कर रखता है, ठीक है। चलिए अब देखो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे देखते हैं। देखो एराकिडोनिक एसिड है, इस पर कोक्स एंजाइम एक्ट करेगा, कोक्स वन भी और कोक्स टू भी, और इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। सबसे पहले बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन G2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 के बाद बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2, फिर उसके बाद बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन D2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन I2, फिर बनेगा, हाँ देखो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को आप प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं, ध्यान रखना, फिर बनेगा थ्रोम्बोक्सेन A2, मतलब TX A2, ठीक है। अब समझो इसको आप याद कैसे करोगे, देखो ABCD लिखो, ABCD कैसे लिखोगे, ABCDEFGH, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बनता है G, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, फिर G के बाद बनता है H, प्रोस्टाग्लैंडिन H2। अब H से सारे बनते हैं, देखो G से पहले क्या है F, तो ये बना F2 अल्फा, F से पहले क्या है E, तो क्या बना E2, ठीक है, E से पहले क्या है D, तो ये क्या बना D2, ठीक है। फिर ध्यान रखना BC से कुछ नहीं है, BC से कुछ नहीं है, ध्यान रखना बस ये चीज़ ध्यान रखना, BC से कुछ नहीं है। और A देखो यहाँ पर बना थ्रोम्बोक्सेन A2, और H के बाद क्या आता है I, तो I से बना PGI2, ठीक है। बस A से लेकर I तक आप ABCD लिख देना, BC से कुछ नहीं है, बाकी सबसे कुछ ना कुछ है, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। चलिए अब देखो फंक्शन देख लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के, देखो PGD2, देखो डी आ रहा है मतलब वेजोडाइलेशन करेगा, वेजोडाइलेशन में भी डी आ रहा है, ठीक है। चलिए PGE2, देखो जब आपके पेन होता है आप कैसे करते हो ई, तो समझ जाना PGE2 पेन कराता है और फीवर कोज कराता है, ठीक है। PGF2 अल्फा, ध्यान रखना न्यूट्रोफिल कीमोटेक्सिस में हेल्प करता है PGF2 अल्फा, और ध्यान रखना PGI2 इसको क्या कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। देखो PGI2 में आई आ रहा है ना, ध्यान से देखो PGI2 में आई आ रहा है, मतलब ये इनहिबिट करता है प्लेटिलेट एग्रीगेशन। अब अगर प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होगा तो वेजोडाइलेशन तो होना ही है, क्योंकि मैंने बताया था अगर वेजोडाइलेशन होता है तो प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होता है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो प्लेटिलेट एग्रीगेशन स्टिमुलेट होता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये ए है, तो यहाँ देखो एग्रीगेशन मतलब प्लेटिलेट एग्रीगेशन थ्रोम्बोक्सेन A2 स्टिमुलेट कराएगा, अगर प्लेटिलेट एग्रीगेशन होगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन तो होगा ही होगा, समझ में आया। आई मतलब समझ जाना इनहिबिट कराता है प्लेटिलेट एग्रीगेशन, अगर इनहिबिट होगा तो वेजोडाइलेशन होगा। ए मतलब एग्रीगेशन कराता है, मतलब प्लेटिलेट एग्रीगेशन होगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स फार्माकोलॉजी, ठीक है। चलिए देखो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड पर फॉस्फोलाइपेज A2 या C एंजाइम एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एराकिडोनिक एसिड में। ध्यान रखना जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो फॉस्फोलाइपेज A2 को या C को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन स्टॉप हो सकती है। देखो एराकिडोनिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन या थ्रोम्बोक्सेन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन किस में हेल्प करते हैं, इन्फ्लामेशन में। अब अगर आपको इन्फ्लामेशन रोकनी है तो आप स्टेरॉइड दे दो, स्टेरॉइड क्या करेगा फॉस्फोलिपिड को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा, मतलब एंटी इंफ्लामेटरी की तरह एक्ट करता है स्टेरॉइड्स, ठीक है। थोड़ी आगे बढ़ते हैं, अब देखो कोक्स वन कोक्स टू एंजाइम एक्ट करते हैं और एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, है कि नहीं, आप समझो बात को। कोक्स वन जो होता है वो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप समझो। देखो आप क्या देते हो ना, अगर आपको इस पाथवे को इनहिबिट करना है, मतलब कोक्स वन कोक्स टू को इनहिबिट करना है, तो आप देते हो NSAID, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। देखो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है, तो ये क्या करती है ना, हाँ NSAID का एग्जांपल है एस्पिरिन, आप एस्पिरिन दे देते हो,
तो अब ये क्या कर देती है ना, ये इनहिबिट कर देती है कोक्स वन को भी कोक्स टू को भी। अब समझो कोक्स वन क्या करता है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होता है। अब अगर कोक्स वन एंजाइम को आप इनहिबिट कर देंगे तो पेप्टिक अल्सर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है इसका साइड इफेक्ट होता है कि ये पेप्टिक अल्सर डिसीज करता है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, सेलेक्टिव कोक्स टू को इनहिबिट करते हैं, कोक्स वन को रहने देते हैं लेकिन कोक्स टू को इनहिबिट करते हैं। अब अगर कोक्स टू को इनहिबिट करेंगे तो कोक्स वन रह जाएगा, कोक्स वन एज इट इज रह जाएगा, तो ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव फंक्शन कर पाएगा, मतलब पेप्टिक अल्सर डिसीज नहीं होगी, ठीक है। और ध्यान रखना सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर का एग्जांपल है सेलीकोक्सिब, सेलीकोक्सिब। देखो यहां पर कोक्स शब्द आ रहा है तो समझ जाना है कोक्स इनहिबिटर है, ठीक है, सेलीकोक्सिब। चलिए लाइपोक्सीजिनेज पाथवे देख लेते हैं। देखो एरेकिडोनिक एसिड होता है, उस पर फाइव लोक्स एंजाइम एक्ट करता है और ल्यूकोट्राइन्स ए4 में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना जो ल्यूकोट्राइन्स ए4 है, जो ल्यूकोट्राइन्स ए4 है वो बल्की मॉलिक्यूल है, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है ल्यूकोट्राइन्स बी4 में और ल्यूकोट्राइन्स सी4 डी4 ई4 में। देखो याद करने की भी जरूरत नहीं है, ए बी सी डी ई बस 4 लगा दो लास्ट में, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना ये जो ल्यूकोट्राइन्स बी4 है ये कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है, मतलब ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। देखो कीमोटैक्सिस तो सेलुलर इवेंट है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, तो अगर ये कीमोटैक्सिस को प्रमोट करेगा तो इन्फ्लेमेशन को भी इंक्रीज करेगा, मतलब एल टी बी फोर प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है। जबकि एल टी सी फोर एल टी डी फोर एल टी फोर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करते हैं, मतलब ये कोज कर सकते हैं एस्थमा में। अगर ज़्यादा ल्यूकोट्राइन सी फोर ल्यूकोट्राइन डी फोर ल्यूकोट्राइन ई फोर बनने लगेंगे आपकी बॉडी में तो ये एस्थमा को कोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज ये क्या करते हैं, वस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एडेमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना इसको हम एस आर एस ए भी कहते हैं, मतलब स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ये याद कर लो पॉइंट, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए अब देखो समझो, देखो ये तो फाइव लोक्स एंजाइम ने एक्ट किया तो ये कहानी है। अब अगर 12 लोक्स एंजाइम एक्ट करेगा तो ये एरेकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा लाइपोक्सिन ए फोर में और बी फोर में, ठीक है। यहां पर शायद बी फोर होगा, ठीक है। चलिए अब ये लाइपोक्सिन जो होते हैं ये इनहिबिट करते हैं कीमोटैक्सिस को, मतलब ये एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हाँ एक बात और समझो, जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव इन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं हिस्टामिन से ज़्यादा, समझो ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ल्यूकोट्राइन्स आर मोर इफेक्टिव ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर देन हिस्टामिन, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखो, देखो मान लो ये सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर है किसके, ल्यूकोट्राइन्स के, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर के। अब ठीक है अब देखो ल्यूकोट्राइन्स सी फोर डी फोर ई फोर इन रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं और ये फिर कोज करते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अब अगर किसी को अस्थमा हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि ल्यूकोट्राइन्स सी फोर डी फोर ई फोर को प्रोड्यूस नहीं होने दें, मतलब इसको बनने ही ना दें, इस पाथवे को ही रोक दे, तो अस्थमा हम क्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि ल्यूकोट्राइन सी फोर डी फोर ई फोर हमारी बॉडी में बने तो, लेकिन ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर पर एक्ट ना करें, मतलब हम यहां पर बैरियर लगा दें, ठीक है, तो भी हम अस्थमा को कहीं ना कहीं ट्रीट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, चलो लाइपोक्सीजिनेज पाथवे फार्माकोलॉजी देखते हैं, ठीक है। देखो एरेकिडोनिक एसिड था, फाइव लोक्स एंजाइम था, ल्यूकोट्राइन ए फोर में कन्वर्ट किया, ल्यूकोट्राइन ए फोर टूटकर ल्यूकोट्राइन बी फोर में, ल्यूकोट्राइन सी फोर डी फोर ई फोर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब समझो देखो पहली चीज कि हम इनको बनने ना दें, अगर हम इनको बनने नहीं देंगे तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाएंगे, अगर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाएंगे तो एस्थमा क्योर होने लगेगा, ट्रीट होने लगेगा, ठीक है। तो इस पाथवे को जाइल्यूटिन जो है, जाइल्यूटिन
फाइव लॉक्स को इनहिबिट कर देता है। अब अगर फाइव लॉक्स इनहिबिट हो जाएगा तो लिकोट्राइन A4 नहीं बनेगा, लिकोट्राइन A4 नहीं बनेगा तो C4, D4, E4 भी नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। मतलब हम एस्थमा को कहीं ना कहीं ट्रीट कर सकते हैं, पहली ज़ाइलुटिन देकर, दूसरा लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देकर। मतलब ये लिकोट्राइन C4, D4, E4 बने तो हमारी बॉडी में, लेकिन ये अपने रिसेप्टर पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाएंगे। और लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन होता है? एक होता है मोंटिल्यूकास्ट, एक होता है ज़ेफ्रिलुकास्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करने देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 66, रिचेस्ट सोर्स ऑफ हिस्टामिन। तो बेसोफिल सोर्स होता है लेकिन रिचेस्ट नहीं होता है। एंटरोक्रोमाफिन सेल रिचेस्ट सोर्स होता है सेरोटोनिन का, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल रिलीज करता है लाइसोसोमल एंजाइम्स, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मास सेल रिचेस्ट सोर्स होता है हिस्टामाइन का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस? इंटरल्यूकिन 1 फीवर कोज करता है, ये आंसर नहीं होगा। इंटरल्यूकिन 4 प्रो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंटरल्यूकिन 7 टी सेल मैचुरेशन में हेल्प करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। इंटरल्यूकिन 10 आंसर होता है, मैंने याद कराया था N10। ठीक है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इन कोक्स पाथवे, देखो वही ये पेप्टिक अल्सर कोज करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन गामा, देखो गामा के जी से ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ध्यान रखना। तो एंटीबैक्टीरियल नहीं, एंटीवायरल नहीं, नहीं ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, फंक्शन ऑफ CXC कीमोकाइंस, देखो CXC इसको इस तरह से बनाओगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगा इंटरल्यूकिन 8। अब इंटरल्यूकिन 8 कीमोटेक्सिस कराता था न्यूट्रोफिल का, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल कीमोटेक्सिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए यार, मैं कुछ देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये लाइपोक्सिन A4 और लाइपोक्सिन B4 ही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ कमी लगी है तो हमें बताइए कमेंट में, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।